कैमरे के सामने अमिताभ की पोती आराध्या ने दिखाए अपने संस्कार। खुशी और गर्व से फूली नहीं समाई मां ऐश्वर्या। हर तरफ हो रही है अभी ऐश की संस्कारी लाडली आराध्या की चर्चा। ये नजारा है ऐश्वर्या राय बच्चन की रीसेंट रिलीज फिल्म पोनियन सेल्वन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग का, जब अपनी बेटी के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन और वहां अपने स्वीट जेस्चर से लोगों का दिल जीत ले गई ऐश्वर्या की 11 साल की बेटी आराध्या। हर जगह हो रही है अब संस्कारी आराध्या की ही चर्चा। जैसा कि सभी को पता है कि डायरेक्टर मणिरत्नम की मेगा बजट फिल्म पोनियन सेल्वन 2 बीते शुक्रवार 28 अप्रैल को ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। फिल्म के पहले पार्ट की तरह PS2 का डंका भी टिकट विंडो पर बजता दिख रहा है। फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है तो वहीं फिल्म के सभी कलाकारों की एक्टिंग के साथ साथ मणिरत्नम के डायरेक्शन की भी जमकर तारीफ हो रही है। और इन्हीं तारीफों के शोर के बीच डायरेक्टर मणिरत्नम ने 30 अप्रैल की शाम मुंबई में अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की, जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ ही बॉलीवुड से अन्य सेलिब्स भी शामिल हुए। हालांकि बड़े बड़े सितारों के बीच से सारी की सारी लाइमलाइट इस बार आराध्या चुरा ले गई है। पोनियन सेल्वन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई के YRF स्टूडियो में होस्ट की गई थी, जहां ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ पहुंची थी। इसी दौरान E24 के कैमरों में आराध्या की ऐसी हरकत कैद हुई जो देखने वालों का दिल जीत ले गई है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आराध्या मम्मी ऐश्वर्या के साथ कार की बैक सीट पर बैठी हैं। ऐश्वर्या के साथ ही आराध्या के फेस पर भी हल्की सी मुस्कान नजर आ रही है। वहीं जैसे ही आराध्या की नजर बाहर खड़े पेपराजी के कैमरों पर पड़ती है तो आराध्या फौरन से दोनों हाथ जोड़ते हुए पैप्स को नमस्ते करने लगती है। वहीं जब ऐश्वर्या की नजर बेटी के इस व्यवहार पर पड़ती है तो वो भी खुशी और गर्व से फूली नहीं समाती है। अब ये नजारा देख हर कोई ऐश्वर्या की परवरिश की तारीफ कर रहा है कि वो अपनी लाडली आराध्या को कितने अच्छे संस्कार दे रही हैं। बात करें PS2 की इस मुंबई स्क्रीनिंग की तो इसमें शामिल होने के लिए डायरेक्टर मणिरत्नम बीती शाम ही फिल्म के लीड एक्टर चिरायु विक्रम के साथ मुंबई पहुंचे थे। बीती शाम दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर E24 ने अपने कैमरे में कैप्चर किया था। वहीं रात में साउथ सुपरस्टार विक्रम अपनी लग्जरी कार में सवार होकर स्क्रीनिंग में पहुंचे। अपनी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या की फिल्म देखने के लिए बॉलीवुड के शहजादा कार्तिक आर्यन खास तौर से यहां आए। बाबा निराला यानी कि एक्टर बॉबी देओल भी पोनियन सेल्वन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। एक्ट्रेस मधु भी इस स्क्रीनिंग में शामिल होने वाले सेलिब्स में से एक रही। एक्टर हर्षवर्धन राणे ने अपनी थार में पूरे स्वैग के साथ यहां एंट्री की। तो वहीं श्रेया सरन ने भी अपनी अदाएं दिखाकर फिर से लाइमलाइट ग्रैब करने की कोशिशें की। इनके अलावा ईशान खट्टर के पापा राजेश खट्टर, विकी कौशल के पापा श्याम कौशल, सिंगर शिल्पा राव, अदिति राव हैदरी समेत कई अन्य सेलेब्स भी इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट E24।